बार ग्राफ इसको बोलते हैं या दंड ग्राफ बोलते हैं। पहले ग्राफ को जरूर समझिए, उसके बाद यहाँ से जो सवाल बनेंगे उसको आप बना लीजिए। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि होटल की संख्या 1000 में है और 11 गो राज्य का होटल की संख्या दिया गया है। मतलब ये जो कुछ भी हमको दिखाई देगा वो 1000 में होगा। होटल ए से लेकर के तक है, होटल ए से लेकर के तक है और ये सब के सब 1000 में है। सवाल सुनिए क्या बोला है। सवाल बोला उसने कि राज्य बी डी एफ, तो देखिए तो बी कहाँ तक है, ये वाला है, इसका रेंज कहाँ तक गया है, 1.5। तो एक काम करिए कि पहले बी डी एफ लिखिए, बी डी एफ, कि बी डी एफ में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। सवाल ये है कि राज्य बी डी एफ में होटल की संख्या, सभी राज्य में होटल की संख्या का कितना परसेंटेज है। तो पहले बी डी एफ में देखिए, तो बी में आपका यहाँ देखिएगा ये है बी, बी में है 1.5। बी के बाद डी में आइए, डी ये देखिएगा ये आपका है 3.25 और एफ में जब आप जाइएगा तो एफ में ये देखिएगा 1 है केवल। तो हाँ, यहाँ पर आपने 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 3 और 2 5, ठीक है। इतना है बी डी एफ राज्य में होटल की संख्या और यह किस में है, 1000 में है। तो 1000 की बात बाद में करेंगे। अब बोला कि सभी राज्य में होटल की संख्या चाहिए हमको। तो सभी राज्य में अगर हमको होटल चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि हम एक तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं और सबको जोड़ लेते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको सब लिखिए या फिर आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो ए में अगर आएंगे तो 1.75, बी में जब हम ए में आए तो 1.75, बी में आए तो 1.5, सी में गए तो 0.5, डी में जब हम आए तो डी में आया 3.25, ठीक है, डी तक आ चुके हैं। डी के बाद आपको ई में जाना है, ई में है आपके पास 2.75। एफ में जाइए, एफ में जब आप जाइएगा, डी में तो चले गए, ठीक है, डी के बाद ई में गए, एफ में आइए, एफ में जब आप आइएगा तो एफ में कितना है, 1 है। F के बाद G में आइए तो G में कितना है, 3 है। H में आइए, H में जब आप जाइएगा तो ये आपको नज़र आएगा 2। I में जाइए, I में आपको दिखेगा 2.5 और J में आपको दिखेगा 2.75, K में आपको दिखेगा 3.5। जब आप इसको जोड़िएगा 25.75, ये आया सब में मिला करके। हमसे पूछा गया है, आपको पता ही है कि परसेंटेज निकालने का तरीका है कौन किसका और गुने सौ, कौन किसका और गुने सौ, ये सही जोड़े है ना, कितना आएगा, अरे ये कितना आएगा टोटल, ये बोलिए केवल, हाँ तो चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे, मैंने शायद एक आध छः मिस्टेक, कौन सब गलती लिखा, 1.75, 2.5 के जगह पर 2.75 के जगह पर 1.75 करता है जी, ठीक है, देख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमने जब बी डी एफ में जोड़ा ना तो 5.75 आया। तो यही बताना था कि यह टोटल का कितना परसेंट है, का जहाँ लगा वो नीचे चला जाता है और गुने सौ, तो टोटल का कमर टोटल का, तो परसेंटेज निकालिए और लिखिए, पूछिए इससे कौन, तो 5.75, किसका, 25.75 का, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, ये सीधा सीधी हमको क्या निकाल करके देगा, परसेंटेज निकाल के देगा। यानी बी डी एफ में कितने हैं, तो ये देखिएगा अभी 1000 से आपको दोनों तरफ गुना करना था, दोनों तरफ गुना करते ना तो ये पता चल जाता कि कितना 1000 है। यानी 1000 से गुना करूंगा तो 3 जीरो का मतलब 2 वो ख़त्म, यानी 5750 ही आएगा, और 1000 से इसमें गुना करूंगा तो 25750 बनेगा। मन है तो गुना करिए और नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000, 1000 से 1000 ख़त्म।
तो अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो आपको हम एक बात समझाए हैं कि कभी भी जो बड़ा डेटा, जैसे यहाँ पर एक तो लिखने में टाइम लगा और प्लस में यहाँ पर आप काटने में भी लगभग टाइम लगा ही देंगे, तो आपको वो नहीं काम करना है, आपको लगभग का काम करना है। देखिए सिर्फ 5 पढ़िए और ये भी सिर्फ 25 पढ़िए, तो ये 5×5 इतना होता है। लेकिन नियम अनुसार था, ये नियम अनुसार क्या था कि लगभग थोड़ा सा कम आने वाला है, इसलिए क्योंकि 5 पॉइंट लगभग ही 6 है, मान के चलिए लगभग ही कितना है 6 है, तो 6×6=24 लगभग 4 बार जाता, लगभग 4 बार, तो लगभग 4 बार अगर ये जाता तो लगभग 4 ही आप लिखिए, पूरा 4 नहीं है, तो 4 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये 25, लेकिन ये पूरा 25 नहीं होना चाहिए बल्कि हल्का 25 से कम होना चाहिए। आप एक्यूरेट भाग दे लेंगे वो अलग बात है, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि हल्का टाइम आप कैसे बचाएंगे। तो आपने यहाँ पर ऐसे ही ऐसे मारिए ना, 5 से आपने भाग दिया तो ये 5 बार गया, और 5 से आप इसको काटेंगे तो ये कितना बार कटेगा 20 बार। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि लगभग 6 है, और 6 से भाग देंगे तो लगभग 4 जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो ये 25×6=100, लेकिन पूरा 25 नहीं जाएगा बल्कि 25 से हल्का कम जाएगा, और 25 से हल्का कम कौन है 23.4 है। अगर आप पूरा एक्यूरेट काटना चाहते हैं तो आप एक्यूरेट काटिए, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 से डायरेक्ट काटिए, तो 25×2=50 बचा 7, 25×3=75, 25×1=25 और 25×3=75 इतना आ गया। अब आइए अभी भी आपको पॉइंट का सहारा लेना होगा, लगभग 23×92 यानी 4 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है, 4 पॉइंट समथिंग से, क्योंकि अभी भी आप अगर सहारा नहीं ले पाए तो फिर आप यहाँ पर भी टाइम लेंगे, तो आप इसको जब काटेंगे तो ये 4 पॉइंट ज़्यादा आएगा, 4 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा, तो 4 पॉइंट से इसको जब हम काटेंगे तो ये तो पूरा 25 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो पॉइंट में ज़्यादा है वो 25 से कम लाएगा, और कुल मिला करके आपका आएगा 23.4% आएगा आंसर। सवाल क्या था, BDF मिला के कितने हैं, तो 5.75, टोटल कितना है, तो 25.75 परसेंटेज निकालिए, कौन, तो ये 5.75 किसका, 25.75 का, कितना परसेंट, गुना 100, 100% होगा, काटेंगे आंसर ऑप्शन बी आएगा। आप एक तरफ से भी काट सकते हैं और अगर अंदाज का सहारा लेंगे तो कुछ सेकंड आपका जरूर बचेगा। यहाँ पर 1.75 नहीं बल्कि 2.75 ही होगा और जोड़ेंगे तो 25.75 ही आएगा। यहाँ आप लोग मिस्टेक किए हैं जोड़ने में, ये वाला आएगा आपका 24.5, तो यहाँ पर रख दिया जाए, बाकी बनाने का सेम तरीका है, दिक्कत नहीं है, लगभग वही आंसर आता, तो यहाँ पर ऊपर में है 25.75 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 24.5×100, फिर से उसी तरीके से। अब देखिए तो यहाँ पर अगर ये 25 होता तो 5 बार जाता, तो ये 5 बार से तो कम जाएगा, लगभग 4 मार के चलिए, और अगर ये भी 4 है तो ये पूरा नहीं है बल्कि 4 से हल्का सा ज़्यादा है, तो 4 से अगर हल्का सा ही ज़्यादा है तो इसे 4 से कितना बार में कटता, 25 बार में, और अगर ये ज़्यादा है तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, तो 25 से कम आएगा, और आंसर क्या था हमारे पास, ऑप्शन बी यानी 23.4% ही होगा। इसको जोड़ने में मिस्टेक किए थे, देख लीजिए, सभी राज्य में होटल की औसत संख्या क्या है, ग्राफ एक ऐसा चीज है कि अगर एक बार वो आपसे पूरा अगर वो जोड़वा रहा है तो अगला बार सवाल वो आपसे वहीं से बना लेगा। जैसे पिछला सवाल में हम लोग क्या किए, होटल के पूरा संख्या जोड़े, तो आपको हम ग्राफ जब भी पढ़ाएं आपको हम समझाएं हैं कि अगर कोई बड़ा डेटा अगर आप कहीं पे जोड़ते हैं तो उसको ठीक जगह लिखिएगा ताकि अगला सवाल उससे बनेगा तो वहां से पूरा टाइम पूरा पूरी बच जाएगा। उसने बोला कि सभी राज्य में होटल की औसत संख्या बताइएगा लेकिन लगभग में बताइएगा, तो हम अभी तुरंत जोड़े हैं कि सभी राज्य में होटल की जो संख्या है वो है हमारे पास 24.5। परसेंटेज निकालना था इसलिए उसको हम हजार में कन्वर्ट नहीं किए थे, अब परसेंटेज नहीं निकालना है, अब आपको औसत निकालना है, तो ये तो लैंग्वेज में साफ कहा गया है कि होटल की जो संख्या है वो हजार में है, तो जब हम होटल की पूरा संख्या हम जब जोड़े थे सभी राज्य में तो 24.5 आया था, और हजार में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, और यहाँ से हम काटेंगे तो आ जाएगा 24,000
2500 और ये 24500 हमको पता चल गया कि पूरे राज्य में होटल की संख्या 24500। औसत निकालने के लिए आपको बता ही दिए हैं कि जितना संख्या है उनको जोड़ लीजिए और जय वो संख्या उतना से भाग मारिए। तो कई वो राज है यहाँ पर 11 को 11 से हम जैसे ही भाग मारेंगे तो ये मेरा निकाल करके दे देगा औसत। औसत 24500 को आप 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूना 22, दो बचा 25 बना, 11 दूनी 22, 22 से पार हो रहा है, 22 से पार हो रहा है। लेकिन ये भी देख लीजिएगा कि कितना पार हो रहा है, तो आप करिए लीजिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 30 बना, फिर 11 दूनी 22 11 दूनी 22 8 बचा, 11 सते 77 यानी 2227। वर्ड यूज किया है लगभग। अब बताइए लगभग का मतलब होता है कि जो नजदीक होगा वो आंसर मराएगा। तो हमारे पास ऑप्शन में 2500 है और एक 2200 है, ये किसके नजदीक है? 2200 के नजदीक है, तो आंसर होगा 2200। क्या किए, औसत निकालने के लिए कुल संख्या पहले ही जोड़वा दिया था, सवाल में पिछला में ही जोड़वा दिया है, तो वहां से डायरेक्ट उठा लिए, अगला बार हम जोड़ेंगे नहीं। अब हजार में चेंज करना था क्योंकि होटल की संख्या साफ लिखा है कि हजार में, 1000 से गुना किए तो आ गया 24500। औसत निकालना था, जय गो राज था उतना से भाग मारेंगे, तो 11 गो राज है, 11 से जैसे ही भाग मारेंगे आएगा 2227। बोला कि लगभग में बताइएगा, तो ये 2227 2200 के नज़दीक है, 2500 के नज़दीक नहीं है, तो आंसर होगा मेरा ऑप्शन सी, 2200 औसत है एवरेज। राज्य ए डी जी में कुल होटल की संख्या तथा राज्य सी एच के में कुल होटल की संख्या का अनुपात बताएं। तो ए डी जी लिखिए, तो रहा ए डी जी, तो ए में है 1.75, डी में है आपका 3.25 और जी में है आपका ये है 3। तो जब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7 और 7 1 8, यानी ए डी जी 8 है, केवल 8 है। तो आपको पता है कि 8 नहीं बल्कि 8000 है, 8000 है, क्योंकि सब कुछ क्या में है, हजार में है। तो ये रहा ए डी जी। उसके बाद उसने कहा कि सी एच के चाहिए, सी एच के चाहिए, तो सी में आइए, तो सी में आइएगा तो 0.5 है, एच में आइए, एच में आइएगा तो आपके पास 2 है, 2, और के में जब आप जाइएगा तो के में आपके पास 3.5 है। तो 3.5 का मतलब ये रहा 0 3 2 5 और 1 6। तो ये जो है ना, हमारे पास 6 आया और ये आया 8, तो ये सिर्फ 6 और 8 नहीं है बल्कि ये वाला 8000 है और ये वाला 6000 है, क्योंकि यहाँ पे हजार में बोला है। और अगर मन है तो का हजार में कन्वर्ट करिए, उन्हें तो मत करिए क्योंकि रेशियो बोला है, रेशियो कटिए जाएगा। तो ऐसे भी 3 जीरो तो काम खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, आंसर आएगा 4:3 ऑप्शन बी। तो ऐसे जो बार ग्राफ होते हैं इसमें आप पूरे 5 में 5 सवाल आराम से बना सकते हैं, कहीं टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहला सवाल में सब जोड़वाया तो दूसरा सवाल वहीं से पूछ लिया, इसका मतलब वो जो आप जोड़े वो बर्बाद नहीं हुआ बल्कि उसका यूज अच्छा जगह पे हो गया, आंसर आएगा 4:3। राज्य जे के होटल की संख्या सभी राज्य के होटल की संख्या का कितना परसेंटेज है? आपको पता है कि सभी राज्य के होटल की संख्या आप पीछे जोड़ चुके हैं, कितना है, 24500। तो टोटल है और उसको हम लोग बना चुके हैं, तो बार बार उसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जे का देखिए ना कि जे में होटल की संख्या कितना है, तो 2.75 है, हजार में चेंज करना होगा ना, 1000 से गुना कर लीजिए, 2 अंक के बाद है, 2 को 0 लगाइए, हटाइए यहाँ से, आ गया आपके पास 2750। तो जे राज्य जे में होटल की संख्या कितना है, 2750, और इसका परसेंटेज से निकलवा रहा है टोटल के साथ तुलना करके, तो परसेंटेज निकाल लीजिए कौन, तो जे जे कितना है 2750, कितना में, कुल में, कुल कितना है 24500 का कितना परसेंट होगा, 100%। कौन कितना गुने 100, 0 खत्म, 1 0 यहाँ से खत्म, 5 से काट लीजिए, 5 4 20, 5 9 45, 5 से काट लीजिए, 50 25, 50 25, यही ना है। अब आइए फिर से हमको पॉइंट का चक्कर ये जरूर डालेगा, तो हम इसको सिर्फ 50 पढ़ेंगे, है
इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 50 पढ़ लेते हैं तो ये 50 है, तो एक बार लगभग जाएगा, एक से ऊपर जाएगा, एक से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एक से ऊपर जाएगा, तो एक से ऊपर जाएगा, तो ये 10 ना है, अगर केवल एक रहता तो 10 एकम 10, एक से ऊपर हम कह रहे हैं तो 10 से ऊपर ना जाएगा, तो 10 से ऊपर का मतलब 11.22%। तो आप कभी भी पूरा पूरी की जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने को, ये मत करिएगा कि 550 में 49 से हम भाग दे रहे हैं, लगभग का सहारा लेंगे आराम से बनेगा। जैसे अगर ये 50 है तो लगभग एक बार कटता, और अगर एक है तो 10 में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 10, लेकिन हमको पता है कि एक से पार हो रहा है तो 10 से भी हल्का पार होगा, तो 10 से हल्का पार होगा तो ऑप्शन में कितना है 11.22, यहाँ भी गुना हम नहीं करेंगे और सीधा आंसर मारेंगे 11.22%। परसेंटेज निकालने के लिए कौन ऊपर लिखिए, किसका नीचे लिखिए और गुने 100, तो जे को ऊपर जे और ई कुल का और गुने 100 काटे तो 11.22% आया। राज्य ई तथा आई में होटल की संख्या का अनुपात 11:10 है। राज्य आई में कितने होटल और होते तब यह अनुपात 11:13 हो जाए, मतलब कितना होटल और उसमें होना चाहिए कि यह अनुपात 11:13 हो जाए। पहले देखिएगा कि होटल ई में कितना है, देखिए तो यह अनुपात अपना मर्जी से 11:10 दिया है, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ई में और आई में होटल की संख्या कितनी है। तो देखिए ई में अगर हम देखने चलेंगे तो ई में होटल की जो संख्या है जी वो 2.75 है, तो 2.75 का मतलब 1000 से गुना भी तो करना था, है? तो ये रहा होटल ई में संख्या। होटल आई में देखिए तो आई में कितना है, आई में आपके पास 2.5 है, तो 2.5 का मतलब होगा कि 1000 से अभी भी तो गुना करना है, तो एक अंक के बाद पॉइंट नीचे 10 ये कट जाएगा, दो अंक के बाद पॉइंट नीचे में 00 इसका ये कट जाएगा, बचा आपके पास 2750 और ये वाला बचा आपके पास 2500। यानी अगर आप अपना जानकारी के अनुसार देखना चाहते हैं तो आपके पास होटल ई में 2750 हैं और होटल आई में 2500 हैं। आपसे होटल आई में कहना चाहता है कि इसमें कितना और होटल होता कि यह अनुपात 11:13 हो जाता। तो होटल जो ई है 2750 और आई है अभी 2500, इसमें कितना होटल और होता, मान लेते हैं एक होटल और होता कि यह अनुपात 11:13 कितना हो जाता, 13। मान लेते हैं एक और होता तो यह अनुपात 11:13 कितना हो जाता, 13 हो जाता। पहले 11 से इसको काट लीजिए, तो 11 × 22 11 × 5 = 55 और 1 0, 11 × 22 11 × 5 = 55 और 1 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ जाएगा, तो 13 × 0 13 × 5 65 13 × 26 26 और 6 32 बराबर, ये रहा आपके पास 2500 प्लस में x प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 3250 में से 2500 घटाइएगा तो कितना आएगा, 750। आपको 750 और होटल रखना पड़ेगा, होटल आई में अगर 750 और अगर होटल हो जाएंगे तो यह अनुपात 11:13 बनेगा। होटल ई में कितने हैं, 2750, कहाँ से ला रहे हैं, पॉइंट को हज़ार में चेंज कर ले रहे हैं। होटल आई में कितना अभी है, 2500 है, हमको इसमें और चाहिए था कि कितना चाहिए कि यह रेशियो 11:13 हो जाए। अनुपात मतलब बट्टा होता है, 11 से काटे तिरछा तिरछी गुना किए कि प्लस इधर भेजे माइनस हुआ, आंसर आया 750। तो आपने देखा कि यहाँ से 5 सवाल पूछे गए और 5 में 5 ऐसे बनाने लायक है, जितना आपको ग्राफ दे रहा हूँ सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बार ग्राफ से पूरे 5 में 5 उठा सकते हैं, पाई चार्ट से पूरे 5 में 5 उठा सकते हैं, टेबल ग्राफ में अगर पॉइंट में देगा तो सिर्फ 5 में 3 बना पाइएगा, 2 इतना कैलकुलेटिव होगा कि नहीं बनेगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा लेकिन एग्जाम में नहीं होगा। तो टेबल ग्राफ में अगर पॉइंट में दिया तो 5 में 3 सॉल्व होगा, उससे ज़्यादा ट्राई मत करिएगा, मुश्किल हो जाएगा। और अगर टेबल ग्राफ में भी पॉइंट में नहीं दिया तो वहाँ भी 5 में पूरा 5 एकदम आराम से आप मार सकते हैं।